छपरा में इन दिनों एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी करने गए युवक से कथित रूप से साली ने जबरन शादी कर ली और बहन की जगह खुद ही विदा हो गई। छपरा मांझी में साली के साथ शादी करने वाले जीजा ने खुलासा किया है कि लड़की दिव्यांग है, इसलिए प्लान के तहत जबरदस्ती शादी कराई गई। अब लड़के के परिवार वालों ने नव दंपत्ति को घर से निकाल दिया है, क्योंकि शादी में उपहार में मिले सभी सामान को लड़की वालों ने रख लिया है। अब नव दंपत्ति ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस इस मामले में उदासीन दिख रही है। पुतुल ने अपने पिता पर आरोप लगाया है कि दिव्यांगता के कारण उसकी शादी होने में दिक्कत हो रही थी, लिहाजा उसके पति ने इस शादी की साजिश रची और राजेश को बड़ी बेटी रिंकू के साथ शादी में बारात लेकर बुलाया और इस मौके पर राजेश से उसकी शादी करा दी। छपरा में 2 मई को यह मामला सामने आया था, जब मांझी के भबौली में बहन के लिए बारात लेकर पहुंचे दूल्हे ने साली से शादी कर ली। मांझी के भबौली में कन्या निरीक्षण के पश्चात बड़ी बहन के साथ शादी से इनकार करने के बाद वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच जमकर गुत्थम गुत्थी हुई और बाद में भारी संख्या में पुलिस पहुंची। पुलिस की निगरानी में चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर पंचायत ने छोटी बहन पुतुल के साथ दूल्हे राजा का सिंदूर दान करा बारातियों को सकुशल विदा कर दिया। स्थानीय मुख्यापति शैलेंद्र मिश्रा ने ये शादी कराई थी, लेकिन अब नवदंपति ने इस शादी को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि उनकी मर्जी के बिना ये शादी कराई गई। जिस पितुल के बारे में कहा जा रहा था कि राजेश से शादी के लिए उसने जान देने की धमकी दी, उसने इस घटना से इनकार किया है और कहा है कि यह सब उसके पिता की साजिश थी। फिलहाल शादी के बाद नव दंपत्ति सड़क पर भटक रहे हैं, क्योंकि दुल्हन के ससुराल वालों ने घर से निकाल कर घर में बंद कर दिए लोग। उसके बाद फिर अगुआ जो थी वो आई, पूछी कि काहे बंद किए लोग, काहे मार रहे लोग, तो अगुआ को भी मारे लोग, बोले कि तुम चुपचाप रहो, तुम कुछ नहीं बोलना, अगर बोलोगे तो तुमको भी मार के बदल दिया लोग शादी के समय। हाँ जयमाल हुआ, हाँ जयमाल हुआ जी, बड़ी वाली से हुआ, गुरहती भी, जब जितना सोना चांदी, जितना गहना था, जितना मिठाई था, जितना कपड़ा था, सब बड़ी वाली से हुआ है। और एक भाई गए वो लोग, हम बोले कि अब छोटी वाली से होगा, अपने में राय करके हमसे पूछे भी नहीं, पूछे लोग तो पहले पूछे लोग कि किससे करोगे, तो हम बोले कि बड़ी से करेंगे। नहीं होती शादी। कैसे हो गया ये? मेरे घर वाले जबरदस्ती किए। क्यों? क्योंकि मेरा पैर टेढ़ा है ना, इसीलिए। अपनी उधर से बहुत बोला जा रहा है कि छत पर चढ़ गई थी। नहीं, ये गलत बात है, सब गलत है ना। हाँ, हम कपड़ा चेंज करने के लिए गए थे। आए हैं लोग सर, मीडिया वाले।